वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और इस वक्त मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का। तो सीन ये है कि उसके साथ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो बचपन का दोस्त है मेरे, स्कूल फ्रेंड है। अब देखते हैं आता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। बस फूड आया है उसका अभी के चलना है, तो आई एम ऑलवेज रेडी। और ये तो फिर है भी बचपन का दोस्त। तो फिर जगह जगह रास्ते बंद और कंटेनर लगे हुए। मुहर्रम था तो हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते थे, एक मजहबी त्यौहार है जो सब मनाते हैं। हम निकले, हमें जाना था हमारे कुछ पुराने दो दोस्तों के पास, उन्हें वहाँ से पिक करना था। और पिक करने के बाद हमने प्लान बनाया कि हम जाएंगे स्नूकर खेलने। वही एज यूजुअल, जब ये मिलता है तो हम जाके स्नूकर ज़रूर खेलते हैं। पहुँचे तो वहाँ जाके हमें एक मुसीबत का सामना और करना पड़ा, वो ये कि मोबाइल के सिग्नल से उस दिन बंद नेटवर्क्स आ नहीं रहे थे, और जिसकी वजह से हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वो तो भला हो नीचे जनरल स्टोर वाले अंकल का, जिन्होंने हमें बता दिया कि थोड़ी देर पहले साथ इधर ही खड़ा हुआ था। और हम लग गए साथ की तलाश में। काफ़ी देर तक तलाश किया, तलाश करने के बाद जब थक हार कर हम बैठे तो सामने हमें चाय का होटल मिला, जहाँ पे हमने बोला कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं। वहाँ पर बैठ के हमने चाय ऑर्डर की, तो इतनी देर में देखा कि सामने से सात और जैन दोनों चलते हुए आ रहे हैं टहलते हुए, जैसे उनको पता ही नहीं था। हालांकि इरफान उनसे कांटेक्ट करके निकला था, सॉरी व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोग समझ रहे होंगे जब सिग्नल नहीं आ रहे तो उसने कांटेक्ट कैसे किया। एक एक कप चाय पीकर हम निकले स्नूकर के लिए। स्नूकर पहुँचे, स्नूकर पहुँचने के बाद दो घंटे हमने इंतज़ार किया। दो घंटे इंतज़ार करने के बाद जब हमारा नंबर आने लगा तो हमने देखा कि सामने एक अंकल बैठे हुए, और उनके हमारी टेबल थी, हमारा नंबर था, बट पाकिस्तानी अवाम आकर बैठ गए और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। हम काउंटर पे गए, काउंटर पे जाके थोड़ी उनसे बदमजगी हुई। उनसे हमने बोला कि भाई ये क्या तरीका है, उन्होंने बोला भाई रेगुलर कस्टमर है, और जो जिस बंदे को हमने बोला था अपनी टेबल रोकने के लिए वो वहाँ पे था नहीं, वो कहीं गया हुआ था। खैर इरफान साहब को आ गया गुस्सा, इरफान साहब ने उनको बहुत डांटा, और डांट पे लाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। हम वहाँ से निकले तो वहाँ से निकलने के बाद भूख ने हमारा हाल ख़राब किया हुआ था, रेस्टोरेंट है। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। वहाँ गए, वहाँ जाके हमने खाना ऑर्डर किया और हम बैठ गए खाने का इंतज़ार करने के लिए। खाना आया, चावल ठंडे थे, खाना ठंडा था, बट रिस्क था, अच्छा था, हमने फिर भी कुछ नहीं छोड़ा। पेट खाना खाने के बाद अपने अपने घरों को निकल गए। ये थी आज की छोटी सी एक स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। ये व्लॉग था, अगले व्लॉग के अंदर फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।